It was not bad. Quite, like, you can watch it one time at least. I haven't seen Sairat, so I mean, it was okay. Janvi was still okay, but Ishan was way better. And considering, like, it's one of his first movies, it was, he was quite decent. Not really, but the last scene was quite hard-hitting. Yeah, it was. The chemistry is not that great between the lead pair, but you can watch it one time at least. Yeah, I mean, they can just watch it once at least. So, yeah. It was great. I think Ishan was really nice, and I think Janvi could be better, but I think their chemistry was really good. And yeah, I mean, I've watched Sairat, so I was constantly comparing, which I shouldn't have, but like for first time viewers, I think it might be something new. Is there any comparison between Sairat and Which one is better? So to be honest, Sairat wasn't like a wow kind of movie for me, but no, there's a lot of Bollywoodness in Dhadak, obviously, but yeah, so they could have been a little toned down, because it was very random how they were being able to afford a lot of things where you're starting out from scratch, you can't afford so many things, so that. I think Ishan would make a mark. I don't know about the movie making a mark. No, they tried, like their chemistry was pretty good, but there was a lot of, it had to be a lot more emotional than romantic, so. Which song you like the most? The song? I like the Dhadak, the title sequence, not Pehli Baar, like I like Dhadak, the title track, and I also like the part where Ishan tells her that, you know, how many times can I look at you, like how good do I look at you at, so. Last year, how many stars did you like? 2.53. Yes. Thank you. Okay, how was the movie? It's amazing. Okay, if you talk about the chemistry between Ishan and Janvi, how was it? It's amazing. I don't have a words to feel how is it. Matlab, it's amazing. Acting is superb acting. Matlab, dekhne ke baad ye nahi lagta ki ye pehli movie kar rahe hain. He's the first Sairat. देखा है लेकिन पुरानी बिलीव कि इतना मतलब उससे बहुत बेटर है इतना मुझे पता उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है इतना अच्छा कर सकते हैं क्योंकि मतलब आई एम आल्सो एक्टर एस्पायरिंग लाइक जितना भी नया एक्टर है सबको देखना चाहिए आई एम आल्सो एक्टर हमें स्ट्रगलर को जितना भी मूवी सबको एक बार देखनी चाहिए कितनी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने उन दोनों की केमिस्ट्री अमेजिंग सॉन्ग्स अमेजिंग एक्ट अमेजिंग मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते कि पहली बार वो मूवी में और पहला एक्ट कर रहे हैं और इतना अच्छा उन्होंने मतलब परफॉर्म दिया कि पूछो मतलब दिल को छू गया मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये बॉलीवुड बैकग्राउंड से है मतलब लगा कि हाँ एक्टिंग का मतलब फील है उनके अंदर एक्टिंग के लिए एक्टिंग के लिए इंस्पिरेशन है मतलब कि हाँ भाई हमें ये करना है दिस इज माय वर्क और मुझे ये दिल से करना है ना कि एज ए वर्क के चलो भाई करेंगे नहीं दिल से किया है मतलब पूरा जान लगा दी अपनी उन्होंने अगर कोई बोले ये लगा ही नहीं कि मतलब अगर बॉलीवुड स्टार हैं या स्टार की स्टार फैमिली से हैं तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब तो किया है उन्होंने काम किया दिल से पूरा मेहनत करोगे तो आप आगे जरूर जाओगे डेफिनेटली और मैं यही मानता हूं अगर आप मैं मेहनत करूं तो विद इन ईयर मैं भी बॉलीवुड मूवी करूंगा मनजीत सिंह आई एम मनजीत सिंह आई वाज मिस्टर इंडिया फाइनलिस्ट 2015 मतलब अच्छा काम किया अभी आई एम टू मॉडलिंग सो अभी जस्ट एक्टिंग में घुसा हूं होपफुली बाबा जी की मैरू तो मैं भी विद इन वन ईयर गाने तो बहुत मतलब दिल को छू जाने वाले गाने सारे के सारे बहुत अच्छा दिल ओ तेरी और जो गाना है वो बहुत अच्छा लगा मतलब मैं उसको बार बार सुनना चाहूँगा आई वॉन्ट गिव 5 स्टार बिकॉज मैं अभी नया हूँ और नए एक्टर की मूवी मैं खासकर इसीलिए मैंने बुक किया कि मैं जरूर देखने जाऊँगा जानवी और लाइक कुछ भी बोले कि नई चूतिया एंड ऑल ऐसा कुछ भी नहीं यार नए एक्टर की मूवी देखनी चाहिए उसे हमें सीखने को मिलता है कि क्या कर रहा है बंदा कितना उसको रिव्यू देना है क्या काम कर रहा है मतलब क्या है इंस्पायर करने के लिए जो न्यू कमर है उनके लिए बहुत इंस्पिरेशन है इसके लिए देखनी चाहिए सबको एक बार जरूर देखनी चाहिए थैंक यू सो मच बहुत अमेजिंग
एक नंबर झकास। नहीं कंपैरिजन तो नहीं कर सकता है, वो मराठी फिल्म है, उसकी कुछ स्टोरी चेंज है, पर ये भी धड़क एकदम कड़क है और इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। एक नंबर तड़का है, कुछ हटके है, राजस्थानी मसाला डाला गया है उसमें, पर बढ़िया फिल्म है। यस नहीं हर चीज़ पसंद है, लास्ट का झटका ज़रा ज़ोर का लगा। यस गाने दो भी अच्छे लगे हैं, जो झिंगाट और दूसरा जो येड़ला मराठी में जो था येड़ला अगला, उसका जो हिंदी वर्जन निकला वो भी बढ़िया लगा। फाय झकास झकास झकास। बात करें एक्टिंग की, दोनों की एक्टिंग तो एक्टिंग वाइज दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी? बहुत 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 अच्छा, दिल धड़का दिया सबकी एक्टिंग में। अभी नेक्स्ट रिप्लेसमेंट आ जाएगा शाहरुख काजोल के बाद, अब उनका टाइम गया, अब ये लोग आएंगे। अभी अभी हमारे डायलॉग की बात करो तो डायलॉग कैसे लगे? अच्छे, बहुत अच्छा, पप्पी गुद्दे का छोरा, ये भी सबको मारना पड़ेगा। वॉइस भी है, एक्सेंट जैसा होता है लग रहा था। तो कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों की एक्टिंग को लेके? हाँ हाँ, मतलब सिमिलैरिटी दिखती है। श्रीदेवी आगे जाएंगे क्योंकि वो तो मीन्स नेक्स्ट, मतलब अलग अलग स्टोरी है। सब बोल रहे थे हम लोग को कि पहले की सेम स्टोरी रहेगा, पर इसने देखी हम लोग को बता रहा था कि अब ये आएगा, पर इसका कुछ भी ऑपोजिट हो रहा था, ये जो बोल रहा था कुछ अलग ही आ रहा था। तो मीन्स टोटल स्टोरी अलग है मतलब उसकी, तो मतलब बस सिर्फ लव स्टोरी वो भी थी ये भी थी, पर स्टोरी पूरी चेंज है। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पसंद आई मूवी में? सब पसंद आई, पर वो थोड़ा शॉकिंग एंडिंग हो गया। लास्ट 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 लास्